करण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। जश्न का माहौल, बाधाइयों का दौर शुरू। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संजय चड्ढा इस वक्त जुड़ चुके हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि जाति लिंग क्षेत्र के आधार पर अब भेदभाव खत्म, सभी के लिए समान न्याय। सबसे पहले किस तरह से देखते हैं एडवोकेट साहब, आप इस जो बिल को पास करने वाला पहला राज्य बन गया है यहाँ पर उत्तराखंड? देखिए, ये बहुत वेलकम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सारे जजमेंट्स में, जो कि अगर मैं शाहबानो का केस था, सरला मुदगिल का केस था, और तमाम केसेस थे जहां पे, और इसके अलावा भी कई अन्य केस हैं जहां पे बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी का होना बहुत ही एक अपनी पॉलिसीज में सरकारों को प्रयत्न करने चाहिए कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो उत्तराखंड का जो मॉडल है उसका एक सबसे अहम बात यह है कि जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, जो कि जिनका सामर्थ्य नहीं है, उनको बराबरी का अधिकार देने की बात की गई है, और एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और कभी भी, क्योंकि हम एज ए होल हम वेलफेयर स्टेट हैं, जैसा कि आपने इसमें कई अन्य चीजों को नए परिप्रेक्ष्य में भी लागू किया है, जो नया आज का स्वरूप देने की कोशिश की है, जिसमें कि सबसे पहले मैं बताऊं कि शादियों का रजिस्ट्रेशन होना, फिर उसके बाद अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। पिछले कई एक संभवतः एक दशक में हमने देखा कि लिव इन रिलेशनशिप में किस तरह के घनघोर अपराध भी पाए गए। तो कम से कम एक अगर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर किया जाता है तो मुझे लगता है कि उसके अपने एक अपना एक आयाम है, और उसके एक इस तरह के जो गैर कानूनी चीजें हैं उनमें रोक अवश्य लगेगी। बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के सुरक्षा की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये यूसी। सभी धार्मिक समुदायों के लिए अगर हम बात करें, विवाह, तलाक, विरासत के लिए नियम एक होंगे, क्या लगता है सबसे खास बात इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की? देखिए, यही एक सबसे बड़ी खास बात है कि जो उद्देश्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं, आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यों को व देश की सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसी का अगला क्षण यह है कि आर्टिकल 44 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव करने के लिए सरकारों को प्रयत्न करने चाहिए। अब इस उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसकी शुरुआत की है, जहां पे स्पेसिफिक बिल पास हुआ है। गोवा इससे पहले एक और राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पुराने समय से चल रहा है, आजादी के समय से, तो वहां पे एक है, और दूसरा राज्य उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड ने जो बिल पास करा है वो अपने आप एक करंट जो सिनेरियो है उसको भी ध्यान में रखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि लिव इन रिलेशनशिप को लिया है, फिर अगर माता पिता को क्या क्या अधिकार हैं जब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, युवा, उसकी प्रॉपर्टी माता पिता को भी मिलेगी और किस प्रकार से बहू को, उसकी वाइफ को भी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने में मुझे लगता है कि ये कदम है। और लॉ कभी भी जो है एक स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, लॉ एक डायनेमिक, लॉ के आधार हैं, डायनेमिक होता है लॉ, सोसाइटी की डिमांड पे, सोसाइटी की नीड को केटर करने के लिए लॉ बनता है। तो मेरे ख्याल है ये एक उसका सबसे बड़ा प्रबल उदाहरण है जहां पे कि सोसाइटी की नीड को केटर करने के लिए इस तरह का नया कानून बनाया गया। बिल्कुल, वुमेन लेड डेवलपमेंट लेकर भारत जो है वैश्विक मंच पर एक नई नजीर पेश कर रहा है। सुनिए, आप देखिए, इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था,
वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड